सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारा प्यारा शिव बाबा, मीठा मीठा शिव बाबा, हम बच्चों को कह रहे हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की मत से हम देवता बन रहे हैं। संसार की कल्याण करने के लिए अभी हम फरिश्ते बन रहे हैं। तो शिव बाबा की जो मत है बहुत शक्तिशाली है, अगर हम उस पर चलते हैं तो अपना भाग्य महान बना सकते हैं, बहुत ऊंच बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर वन ट्रस्टी कौन है और कैसे? शिव बाबा है नंबर वन ट्रस्टी, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम अनेक अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी जो भी बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते उनका पूरा रिटर्न बाप देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। आज भी बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। एक बार जो परमात्मा के पास आ जाते हैं और उनको पहचान जाते हैं सच्चे दिल से, वो कभी जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चों उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। भगवान को पहचान कर जो उनके बन जाते हैं उनको बच्चे कहा जाता है। यह है अंतिम जन्म मर्जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हमारा बाप है, लेकिन गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए बाबा कहते हैं कृष्ण को नहीं कहेंगे। गीता का रचयिता कौन है? स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। द्वापर में कहेंगे, कलयुग में कहेंगे, और संगमयुग में सर्वशक्तिवान बाबा आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। तो मत भी सर्वशक्तिवान बाबा ही देते हैं, वो भी इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो, ब्रह्मा के द्वारा देते हैं और ब्रह्मा को भी देते हैं। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं, तुम यहां पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं, कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे फिर उनकी कापियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितने बायोग्राफी बनाते हैं वो फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्सन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए,
परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते, फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद भी होगा। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ था, अब बड़ा बनाया है, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए, बहुत बड़ी। अभी तुम बच्चे कहते हो, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूं, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं, ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। तो तुम्हारे कनेक्शन सारा शिव बाबा से है, ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर किया है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, मतलब दाता रूप में, पहला पूर वह पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है, दो मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ना कोई एक रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूं गरीब निवाज। गरीबों का एक रुपया तो साहूकार के 10,000 के बराबर है, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। अगर साहूकार 1,00,000 लगाता है तो गरीब अगर 100 रुपया लगाता है तो बराबर है। इसने सब कुछ दिया, फिर लक्ष्मी नारायण कितना वंडरफुल खेले हैं, तो कभी किसी बात में संशय नहीं लाना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं, बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहां यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं, यह शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावन हार है, निराकार निरंकार वो है, गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो, बाप ऑबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भारतवासियों क्यों, औरों ने क्या किया जो उनको नहीं मिला, अरे इतने ढेर मनुष्य सब तो नहीं आ सकते, ये ड्रामा बना हुआ है ऐसे ही। तो बाबा आज धारणाओं में कहते हैं इस ड्रामा की हर सिंह साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट हैं, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है, बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भाव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है, ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम बोलने अर्थात और शक्तिशाली होंगे, एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, इससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं आज जो दिन भर याद रखना है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना,
तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे। मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए दिन भर याद रखना है कि परमपिता परमात्मा परमेश्वर मेरे साथ ही मेरे मस्तक के ऊपर हैं। निरंतर उनकी पावन दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।